हाय गाइस, आज मेरे पास जो फोन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के फीचर्स लेकर आता है और जैसी ये परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है, ट्रस्ट मी, ये कुछ किलर करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी GT Neo 3 के बारे में। सारी बातें बताऊंगा, उससे पहले मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। अब चलो इसका बॉक्स खोलते हैं। तो सबसे ऊपर जो है, हमें यहाँ पर पाउच मिल जाता है। इसके अंदर देखते हैं क्या। सिम इजेक्टर टूल है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और नीचे की तरफ फोन रखा हुआ है और थोड़ा सा स्लाइड हो गया है। बट इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ यहाँ पर जो है, क्लियर केस हटा के आपको 150 वॉट की चार्जिंग ब्रिक मैं दिखाना चाहता हूँ। कितनी छोटी रखी है ये, और Type-C to Type-C केबल भी है। एक टाइम आएगा जब फोन और लैपटॉप के चार्जर बिल्कुल सेम हो जाएंगे, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है। सब कुछ साइड में रखता हूँ और अब आप लोग को फोन दिखाता हूँ कितना अलग इन लोगों ने बनाया है। इतना स्पोर्टी लुक इसको बनाने की कोशिश करी गई है, और पूरा ब्लू कलर में है। और सरप्राइजिंगली ये फोन काफी हल्का फील हो रहा है इतना बड़ा होने के बाद भी। ये जो ब्लू कलर है, काफी लव और हेट वाली बात है। मुझे पर्सनली काफी कूल लुकिंग लगा है ये, और ऊपर से मैट फिनिश होना इसको एक अच्छी बात बनाता है। ऊपर से यहाँ पर हमें ये 2 white stripes मिल जाती है, और ये जो है रेसिंग ट्रैक से इंस्पायर्ड है, रियलमी ऐसा बता रहा है। और कैमरा मॉड्यूल का जो डिजाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा है, पूरी ग्लॉसी फिनिश है यहाँ पर, और बहुत बड़ा सा ये कैमरा ना एक अच्छा लुक देता है इसको पूरे डिजाइन में। सिर्फ एक ही चीज मुझे बुरी लगी है, रियलमी की ब्रांडिंग। सिर्फ रियलमी लिखा होता ना तो काफी अच्छा लगता है, ये डियर टू लीप मेरे को सच में इरिटेटिंग लगता है कभी कभी। अच्छा, बैक पैनल तो प्लास्टिक है ही, फ्रेम भी हमें पूरा प्लास्टिक की मिलता है, और ये जो पावर बटन है काफी सही लोकेशन पे लगा हुआ है। मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं, बिल्कुल स्पॉट ऑन जा रहा है उधर। और लेफ्ट साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। फोन में नीचे की तरफ हमें सिम ट्रे मिलती है, मैं इसको खोलकर दिखा देता हूं आप लोग को। यहां पर हल्की सी रबर कोटिंग तो है, पर कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं है, और वैसे ये डुअल नैनो है। बाकी Type-C पोर्ट और स्पीकर्स मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर इन लोगों ने ना काफी नीचे लगाया हुआ है, बट खुलता काफी फास्ट है, मुझे यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये जो फोन है काफी हद तक गेमिंग सेंट्रिक बनाया है, और उसकी वजह से स्पीकर्स बहुत अच्छे दिए है। उसमें डॉल्बी एटमॉस भी है, हाई रेस का सपोर्ट भी है, काफी बड़ी बात है। और जो लेफ्ट और राइट स्पीकर है काफी लाउड है यार, अगर आप नीचे वाला ब्लॉक भी कर देते हो तब भी ऊपर वाले से आवाज आती है, सच में काफी लाउड है। इसमें एक फीचर है 4 एंटीना फ्री स्विचिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि गेमिंग फोन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर तरीके से गेमिंग इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे कि इसमें एंटीना ऐसे डाल दिए है कि आप किसी भी ओरिएंटेशन में फोन को पकड़ते हो तो आपको बेस्ट नेटवर्क्स मिलेंगे, और लेटेंसी भी काफी कम मिलेगी, जो कि गेमिंग में बहुत हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, रियलमी इतना सीरियस है गेमिंग को लेकर कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन लोगों ने यूज करी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चाहे वो ब्लूटूथ वाला पार्ट हो या फिर बेस स्टेशन वाला, ये सब क्रेजी कनेक्टिविटी देंगे इसको। फोन को एक बार फ्रंट से देखो, आपको बेजल्स काफी कम लग रहे होंगे। इसके पीछे का रीजन है 94.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, इसलिए बेजल्स इतने ज्यादा कम है। देखना गाइस, ये एक AMOLED डिस्प्ले है जिसके अंदर HDR सपोर्ट है, और आप कॉर्नर से भी देखो गाइस कितना ज्यादा क्लियर दिखता है। 6.7 इंच की डिस्प्ले है, काफी बड़ी है। AMOLED होने के ना एक अपने ही फायदे है यार, और गेमिंग फोन होने की वजह से यहाँ पर 1000 Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी है, और अच्छा काम कर रहा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, और क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो जो चिप इन लोगों ने सेलेक्ट की है काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि है MediaTek Dimensity 8100। इसके मैं पहले आप लोग को बेंचमार्क स्कोर्स दिखाता हूं। N22 तो काफी ज्यादा आया यार, मैं इंप्रेस था। इनफैक्ट Geekbench के स्कोर्स भी काफी अमेजिंग आए हैं। इसके बाद मैंने 25 मिनट का एक स्ट्रेस टेस्ट रन करा, और 78.1% स्टेबिलिटी आई, और मैंने जो है CPU थ्रॉटलिंग भी रन करा था, और ग्राफ जो है बिल्कुल ग्रीन आया है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोन तब भी हीट नहीं करा। इस फोन को बनाते हुए रियलमी इतना सीरियस था कि एक से एक फीचर दिए, UFS 3.1 स्टोरेज है, काफी अच्छे स्पीड टेस्ट भी आए थे, LPDDR5 RAM है, ऊपर से डिस्क्रीट डिस्प्ले चिप दी है, जो कि लाइक टेक्निकल चीजें समझने की कोशिश करना, ये जो है फ्रेम्स को इंटरपोलेशन करता है, तो अप टू 120 FPS आपको गेमिंग मिल सकते हैं। इतना समझ लो कि एक डेडिकेटेड चिप है जो कि स्क्रीन को हेल्प करेगी और GPU पे कम से कम लोड आने देगी। ये सेम टेक्नोलॉजी IQ भी लेकर आया था एक टाइम पे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इतने सारे गेमिंग फीचर होने के बाद भी यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने में मिलता है, क्योंकि जितने मैंने गेम इंस्टॉल करे उनमें हाईएस्ट सेटिंग्स अवेलेबल ही नहीं थी। जैसे कि मैंने BGMI इंस्टॉल करा, वहां पर HD हाई देखने में मिला, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। फिर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल करा, वहां पर वेरी हाई और वेरी हाई सेटिंग्स थी, या फिर हाई और मैक्स सेटिंग्स थी, और वहां पर लाइक ऑब्वियस गेम प्ले भाई इतना अच्छा भी नहीं था जितना लाइक फीचर्स थे। पता है इसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान से सुनना।
जो ये लेटेस्ट चिप है ना, अभी तक गेम डेवलपर्स ने इसको ऑप्टिमाइज किया ही नहीं है अपनी गेम्स के लिए। अगर मैं हिस्ट्री देखते हुए चलूँ ना, तो काफी टाइम लगता है गेम डेवलपर्स को कि वो गेम्स को उस तरीके से लाइक ऑप्टिमाइज कर पाए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि फोन केपेबल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा गेम जो आता है जेंशन इम्पैक्ट 14 GB के आसपास का होता है, वो भी हाईएस्ट सेटिंग्स पे 60 FPS पे चला पा रहा था। तो इसका मतलब फोन कुछ ज्यादा ही केपेबल है। और यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि ब्रांड कितनी जल्दी जल्दी नए फोन लेकर आ रहे हैं कि लाइक बाकी इकोसिस्टम जो होता है, बाकी जो एप्स है, वो ऑप्टिमाइज हो ही नहीं पा रही। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फोन के अंदर कुछ ज्यादा ही बड़ा कूलिंग सिस्टम मिलता है, इसलिए जो मैंने आप लोग को बताया था ना कि हीट नहीं कर रहा है, ये उसके पीछे रीजन है। सच में कूलिंग सिस्टम लाइक अगर कंपेयर करते हो काफी बड़ा है। इनफैक्ट रियलमी का GT2 Pro आया था 50,000 रुपए का, उससे भी बड़ा कूलिंग सिस्टम तो इसमें दे दिया है। और मजे की बात, एंड्रॉइड 12 इस फोन के अंदर मिलता है और रियलमी UI 3 भी मिलती है। और मैं आपको बता रहा हूं जिस प्राइस सेगमेंट पे फोन इंडिया में आएगा ना, ये काफी अच्छी डील है परफॉर्मेंस को देखते हुए। इससे ही बड़ी बात बताता हूं मैं, 150 वॉट चार्जिंग टेक्नोलॉजी होना मजाक नहीं होता भाई। मैं इसको टेस्ट कर रहा था, सिर्फ 6 मिनट में फोन 50% चार्ज हो गया था, 16-17 मिनट में तो ये फोन 100% चार्ज हो भी चुका था। ये सच में कोई मजाक नहीं है, ये चीज मेरे को बहुत क्रेजी लगी। और बैटरी की जो कैपेसिटी है ना, 4500 mAh है। ऐसे भी नहीं कि भाई लाइक छोटी बैटरी दे दी हो तब इतना जल्दी चार्ज हो रहा है, ये इम्प्रेसिव चीजें बनती है। Realme तो ये भी क्लेम कर रहा है कि अगर आप 1600 बार इस फोन को चार्ज कर लेते हो ना, तब भी 80% बैटरी हेल्थ इसकी बची रहेगी। वैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब भी इतनी हाई वॉट वाली चार्जिंग होती है ना फोन में, तो वहां पर बहुत डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। Realme ने लिए है तो कोई टेंशन वाली बात आई थिंक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि Realme ने जो है ना TU की तरफ से फास्ट चार्जिंग की भी सर्टिफिकेशन ले रखी है। कैमरे की बात करते हैं, बैक साइड में आपको 50 MP का मेन कैमरा दिखेगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और 2 MP का मैक्रो, और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका कैमरा मैंने थोड़ी देर टेस्ट करा है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशंस है मेरे को पसंद आया, खासकर मेन कैमरा। जितनी मैंने फोटोज खींची है ना, HDR काफी सही थे, कलर्स भी बहुत सही मेंटेन करता है, एक न्यूट्रल टोन भी रख पाता है, इनफैक्ट स्किन टोन भी काफी हद तक सही है, मेंटेन कर लेता है। लेकिन जैसे ही पोर्ट्रेट मोड ऑन होता है ना, तो ये कोशिश करता है कि बंदे को ब्राइट बना दे और थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है स्किन को। ये पार्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जितने भी लाइक डार्क स्किन टोन वाले बंदे होते हैं उनको अजीब सा वाइट कर देता है। अगर लो लाइट की बात करो तो केपेबल फोन है यार, ऑटोमेटिकली नाइट मोड डिटेक्ट कर लेता है और काफी डिटेल ले आता है। लेकिन अब मैं आपको सबसे अजीब चीज दिखाऊंगा जो मैंने आज तक किसी फोन में नहीं देखी है। एक बार मेन कैमरे से फोटो देखो और वही फोटो आप अल्ट्रा वाइड से देखो, इतना बड़ा कलर शिफ्ट मैंने आज तक किसी लेंस में नहीं देखा है। ये चीज सच में काफी सीरियसली रियलमी को फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना अजीब सा लगता है अल्ट्रा वाइड से फोटोज खींचना, हर बार येलोइश आती है, ज्यादातर लगा लो 80% ये जो है येलोइश फोटो खींचता है। और कभी कभी लाइक लकीली इमेज प्रोसेसिंग ऐसे हो जाती है कि लाइक सही स्किन टोन या फिर सही कलर मैनेज कर लेता है। इनफैक्ट जब मैं फ्रंट कैमरा टेस्ट कर रहा था, वहां पर ही मुझे सही रिजल्ट्स लगे, HDR जो होते हैं, स्किन टोन वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहता है। बट वही प्रॉब्लम बैक वाली कि जैसे ही पोर्ट्रेट मोड में जाते हो तो बिल्कुल वाइट स्किन टोन कर देता है। तो ये दो प्रॉब्लम, अल्ट्रा वाइड वाली और पोर्ट्रेट वाली, रियलमी को बहुत जल्दी फिक्स करने की नीड है। और वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आप मैक्सिमम 4K 60 FPS रिकॉर्ड तो कर सकते हो, बट यहां पर भी ट्विस्ट है, 4K 30 FPS 60 FPS में स्टेबलाइजेशन का नामो निशान नहीं है। ये काफी डिसअपॉइंटिंग बात थी, बट वैसे कलर्स वगैरह ठीक मैनेज कर पा रहा था, बट वहां पर ही मेरे को हल्का सा जिटर, थोड़ी सी अटकती हुई वीडियो दिखी थी। अगर स्टेबलाइजेशन आपको चाहिए तो 1080p 30 या फिर 60 fps में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वहां पर स्टेबल वीडियो तो आती है, लाइक सब कुछ ठीक रहता है, बट वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बीच में वीडियो अटक रही थी। सीधी बात यह है कि इन लोगों ने इसको गेमिंग फोन बनाया, मेरे हिसाब से वीडियो को ये लोग ऑप्टिमाइज करने भी नहीं वाले, फोटोज फिर भी ठीक रहती है। कंक्लूजन की बात करते हैं कि कैसा फोन है ये। देखो स्ट्रेट अवे में बोलूंगा, मुझे फोन काफी ज्यादा पसंद आया और मैं इंप्रेस था, चाहे वो डिजाइन हो, परफॉर्मेंस हो, लाइक समझ रहे हो परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा ये लेकर आता है। ऑब्वियसली ब्रांड और गेम डेवलपर्स को मिलकर इसके ऊपर वर्क तो करना ही पड़ेगा उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उससे तो कोई नहीं भाग सकता। बट वैसे अगर मैं ओवरऑल फोन की बात करता हूं तो आई एम इंप्रेस्ड। नो डाउट इस फोन में पोटेंशियल है कि ये स्मार्टफोन मार्केट को हिला सकता है, किल कर सकता है। आई विश एक अच्छे प्राइस सेगमेंट पे फोन लॉन्च हो जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आप लोग को कैसा लगा है फोन। ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।